जाऊंगा। अरे भी अभी निकलो, रुक आगे जाओ, भैया भैया रुको। बाकी तो यार जल्दी करो करो यार। चलो एक सेकंड एक सेकंड, जब आपको स्टार्ट करें। ठीक हेलो सर, आप मीडिया आने से मैं बहुत वो हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई है ये एक मेरे सर से पानी ऊपर हो गया है, इसलिए मैंने ये बिठाई। माई चाइल्ड नेम इज वर्षा गुप्ता, ही स्टडी इन सेवेंथ क्लास, ही स्टडी इन स्कूल RMPS। उसको हरासमेंट किया जा रहा है, कभी उसको बाहर निकाल देते हैं फीस की रिकॉर्डिंग, कभी कुछ करते हैं। आज मेरा बच्चा दो दिन से इन्होंने बाहर रिसेप्शन में बिठाया हुआ था, आज मैं खुद उसको छोड़ के आई हूँ, क्लास में बिठा के आई हूँ। वो बोलते हैं कि फीस हमारी पूरी क्लियर है, इन्होंने रिजल्ट भी बैग वो कर दिया है। ये मेरे बच्चों के लिए नहीं है, वो ये और 8-9 बच्चे हैं जिनका फीस वहाँ नहीं दी, उनको बाहर निकाल दिया। ये कैरियर स्पाइल करता है। चेयरमैन सर इज रमेश्वर मैंगी एंड डायरेक्टर रक्षण मैंगी। इसने कोविड में भी हमारे बच्चों की क्लास ब्लॉक की, 7 महीने क्लास ब्लॉक की, बच्चे ने पेपर नहीं दिया, और रक्षण मैंगी को पता ही नहीं है कि बच्चा ब्लॉक हुआ है। वो तो मैं गई तो उनको मैंने बताया, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। फिर मैंने रेशम मैंगी के पास की, कोई भी बात करनी है हमसे रिटर्न लेते हैं, हमसे वो रिटर्न, फलान जी ढींगा जी रिटर्न लेते हैं हमसे। खुद जब हम इनको बोलते हैं ये रिटर्न नहीं लेते हैं, इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कल भी उनको फोन किया, वो मुझे हमें उनको ऑफिसर से बात हुई, वो कहते हैं कि जी रिटर्न रिपोर्ट दीजिए, रिटर्न वर्क करिए। हमने बोला कि पहले जाके रेट तो डालिए कि देखिए तो सही बच्चा कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बच्चा बैठा है। जब बच्चा वीक होता है कोई तो उसको TC दे देते हैं। हम रिजल्ट लेने गए, एक पेरेंट्स बैठे हुए थे, वो उसके बच्चे के फोर सब्जेक्ट उठ गए थे, उनको डायरेक्टली बोल दिया कि इसका TC ले लो। वो मदर बेचारी पता नहीं कैसी थी जिसने ये कर ली बात को कि नहीं बोली, लेकिन मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी। मैं डायरेक्टर ऑफिसर से यही मेरी अपील है, अगर इसको 4 दिन के अंदर इस बात का फैसला नहीं किया जाएगा तो हम जो करना होगा हम अभी आपको नहीं बता सकते, लेकिन या इसको रेस्ट किया जाए, रक्षण बैंगी को जिसने मेरे बच्चे को 2 दिन बाहर रखा, मेरा बच्चा हरास हुआ है, अगर इन्होंने नहीं किया तो कल मैं स्कूल नहीं खोलने दूंगी। अदरवाइज मैं सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल कोई भी बच्चा अपना स्कूल ना भेजे, अगर कुछ हो गया तो वो खुद जिम्मेवार होंगे। अगर आपके बच्चे को बाहर रखा गया 2 दिन से, तो क्या क्या वजह रही है उस चीज की? उसकी थी सर ट्रांसपोर्ट फी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें 10 डेज दे दीजिए, हम आपको ट्रांसपोर्ट फीस दे देते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं जी सर का ऑर्डर है। पहली बात है, चेयरमैन का अगर ऑर्डर है तो चेयरमैन बच्चे को हाथ लगाए। टीचर्स कौन है? वो तो एक मुलाजिम है, वो कौन होती है मेरे बच्चे को हाथ लगाने वाली? उनकी हिम्मत कैसे है मेरे बच्चे को हाथ लगाने? या रक्षण खुद उसको करे, खुद बाहर निकाले, फिर मैं उसको देखती। मैंने SHO कचवानी, SHO सैनिक कॉलोनी, कल मैंने फोन किया उनको, मैंने बोला कि सर जाइए, मैं आ नहीं सकती, मैं लेडीज हाउस वाइफ हूँ, मैं घर पे थी। वो हमें बोलते हैं कि हम फोन करते हैं, उन्होंने फोन किया, SHO ने फोन किया, कचवानी वाले ने, उनको बोला गया है कि आपको किसने ये बात बताई। मैंने सैनिक कॉलोनी वाले को भी बोला है कि सर प्लीज आप बच्चा देखिए जाके, वो भी कहते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप DC के पास जाइए। सर ठीक है, अच्छा ये सर फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर इनका पहले पिछले साल जो कोविड में था इन्होंने 6th क्लास में 24 था, तो फिर हमने सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके मैंने सारी ये चीजें निकलवाई जिसमें 25 रखा हुआ था लेकिन वो 24 था। फिर जब हमने इसको पूरी डिटेल बताई, सब कुछ बताया, तो ये इसने 24 किया, और जबकि इसकी 5,500 एनुअल फीस थी इसकी, अब इसने कर दिया है 25-30 और 1830 रुपए गाड़ी का किराया, अब टू नियर सैनिक कॉलोनी टू नई बस्ती। हमारे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये डायरेक्टर सर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ये तो किसी काम के नहीं है, ये चेयर पे बैठे हैं, इन्होंने कुछ पेरेंट्स बोलते रहे, लेकिन सर ये जो लेडीज बैठी है ये बहुत कुछ कर सकती है, ये मत सोचिए जब किसी बात बच्चे पे आ जाए ना, माँ बहुत कुछ कर सकती है। अदरवाइज अगर 4 दिन के अंदर सर का फैसला नहीं हुआ तो फिर हमने जो करना है, कल तो स्कूल नहीं भेजेगा कोई पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स से अपील कर रही हूँ कि कल जब तक मेरे से माफी नहीं मांगेगा रक्षण कि मेरा बच्चा 2 दिन क्यों बाहर रहा, एक तो आज तो उसको रिसेप्शन में बिठाया, कल उसको लाइब्रेरी में बिठाया,
अगर वो नहीं मांगेगा वजह क्या है मैम, वजह क्या है क्यों? वजह सर ये है, ये बच्चे को, ये मेरे बच्चे को हरास नहीं करते हैं, ये सभी बच्चों को, पेरेंट्स को हरास करते हैं। कॉल करवा देते हैं टीचर से, जी हाँ जी आपका बच्चा लाइब्रेरी में बैठा है, कभी किसी का, हाँ जी आपका बच्चा बाहर बैठा है। आज से एक साल पहले शिक्षा निकेतन गांधीनगर में 2 मंथ की मेरे बच्चे की फीस नहीं गई हुई थी, उन्होंने गेट के बाहर खड़ा कर दिया, गेट के बाहर खड़ा कर दिया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैं सर के पास गई, मैं जब गई तो मैंने देखा, मैं बेटा तू क्यों खड़ा करता, मम्मा फीस नहीं है। मैं सर के पास, सर का बेटा बैठा हुआ था छोटा, कहता मैं कहा वो यही करता था, आई एम ए डायरेक्टर, मैं कहा तुम्हारी पोस्ट डायरेक्टर की बच्चा क्यों बाहर खड़ा, मैं यही से गेट कीपर, तो क्या गेट कीपर था कि हम उसको फीस नहीं देते हैं क्यों, और हमें बोलते हैं हम भी हमें बोलते हैं कि भीख मांगते, हम क्यों भीख मांगेंगे? आप अगर हमारे पैसों से चलता है, कराइए बंद स्कूल, एक भी 10-10 मकान बना रहा है, 10 वो ले रहा है, जमीनें ले रहा है, किसके लिए ले रहा है, हम क्यों भीख, तो तू हमारे उसमें रहता है पेरेंट्स के ऊपर, तुम लोगों को बहुत मिस। पहले भी हम ऑफिस में गए, हमारे इनके साथ बात हुई कि इन्होंने सर ऐसे नहीं, ये क्या करता है हमारे फोन बाहर रखवा लेता है, एक टीचर बिठा देता है उसको फोन लेके बिठा देता है और वो डाउनलोड करता है हमारी चीजें, हमारी बात जो भी है वो सारा उसमें कवर करता है, फिर ये रख लेता है। अब हमें, मैंने इसको उस दिन, ये कोई रजनी गुप्ता मैम है गांधीनगर की, जिसने मेरे बच्चे के साथ ये किया, मुझे बोलती है कि ये चेयरमैन सर का ऑर्डर है। चेयरमैन सर का ऑर्डर क्या है कि बच्चे को 1 घंटा 9 से 10 बजे तक बाहर से खड़े रहो, आप टीचर्स हो या माई लगी हुई। मैं तो कहती हूँ ऐसे हस्बैंड ही पता नहीं किस काम के हैं जो रमेश्वर महंगी के स्कूल में काम करवा रही हैं। टीचर्स वहां पे कभी कोई चीज होती है, कभी प्लेटें लेके जा रही है किसी के आगे, कभी बर्तन मांज रही है, कभी झाड़ू मार रही है। सर ये मेरी आईज आंखों देखी बात है, सर मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरती, मैं ही उसको छोड़ूंगी नहीं। अदरवाइज अगर डायरेक्टर सर नहीं कोई करेंगे, लक्षण महंगी माफी मांगे, मेरी मेरे बच्चे के साथ जो उन्होंने किया है वो मांगे, अदरवाइज मैं पेरेंट्स सभी से आज भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब तक फैसला ना होगा कोई भी पेरेंट्स अपना बच्चा स्कूल नहीं भेजेंगे।